गाइस आज हम देखने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेसिक एरे क्या होता है, ठीक है, वन डायमेंशनल एरे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और यदि वन डायमेंशनल एरे में से जो एरे के एलिमेंट्स है उसमें से हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को यदि एक्सेस करना है तो किस टाइप से फॉर्मूला लगाकर हम उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। अब आज हम देखने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे यदि जब भी आपको ये वर्ड्स सुनाई दे, ठीक है, तो माइंड में सबसे पहले ये चीज आना चाहिए कि टू डायमेंशनल मीन्स दो डायमेंशन, ठीक है, टू डायमेंशन मीन्स रो और कॉलम की बात कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा एक्सेल शीट जो होता है, एक्सेल शीट में जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो रो और कॉलम के फॉर्म में होता है, वो भी टू डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल है। इसके बाद में हमारा जो सिस्टम का स्क्रीन होता है वो भी टू डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैट्रिक्स हम जो फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो मैट्रिक्स में भी क्या होता है, रो एंड कॉलम, तो वो भी हमारा है टू डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल, ठीक है। वन डायमेंशनल एरे में हम क्या करते थे, सिंपल सी एलिमेंट को हम स्टोर करवाते थे, ठीक है, जहां पर भी हमको कंटिन्यूस ब्लॉक मिलते थे मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो टू डायमेंशनल एरे है उसमें कैसे होगा, रो एंड कॉलम वाइज हमारा डेटा स्टोर होगा, ठीक है। अब सिंपल से डेफिनेशन की हम यदि बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड एस मैट्रिक्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसमें हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे और नंबर ऑफ रोज रहेगी, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, क्लियर है। तो ये होता है 2D एरे। 2D एरे आर क्रिएटेड टू इंप्लीमेंट रिलेशनल डेटाबेस। यदि हम डेटाबेस स्टोर करवाने की बात करेंगे तो वहां पर भी हम टू डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है रिलेशनल डेटाबेस के लिए। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन क्या होता है और इनिशियलाइजेशन क्या होता है। डिक्लेरेशन मतलब जब भी हम किसी चीज को सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने कुछ वैल्यू नहीं दी, सिर्फ हमने क्या किया कि उसको डिक्लेयर किया। सपोज जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने इंट एक्स लिखा, इसका मतलब मैंने क्या किया, इस एक्स वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया है, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन मीन्स क्या होता है, इंट एक्स इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स मैंने एक्स को पहले से क्या वैल्यू देके रखी हुई है, 1, उसको मतलब मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करके दी हुई है, ठीक है। और डिक्लेरेशन क्या होता है, int x means run time पर हम यूजर से वैल्यू एज अ इनपुट लेंगे, ठीक है। ये होता है डिक्लेरेशन और ये होता है इनिशियलाइजेशन। तो सेम वैसे टू डायमेंशनल एरे में भी यदि डिक्लेरेशन की बात करें तो डिक्लेयर कैसे करेंगे हम, इंट एरे, ये एरे मीन्स क्या, कोई वेरिएबल, इंट मीन्स डेटा टाइप, जैसे हमने वन डायमेंशनल एरे में डिक्लेयर किया था उसी टाइप से हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो साइज होगी उसके 2 ब्लॉक रहेंगे, ठीक है। वहां पर सिर्फ इंट एरे ऑफ, यहाँ पर हम साइज दे देते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने करके, ठीक है। लेकिन क्योंकि 2D एरे है तो हमको रो के लिए भी साइज देना पड़ेगा और कॉलम के लिए भी, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम दे देंगे उसका साइज, ठीक है। और ये सेमी कॉलन से उसको हम टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये मैट्रिक्स बनी हुई है एक यहां पर, ठीक है। इस मैट्रिक्स में 1, 2, 3, 4, 5 टोटल कितने कॉलम्स है, 5, और रो मीन्स ये रो, कॉलम्स मीन्स ये, ठीक है। तो टोटल कॉलम्स है हमारे 5। 4 तक इसलिए गए क्योंकि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो हमें 0 से एलिमेंट काउंट करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने कॉलम हो गए, 5, और हमारे पास में रोज कितनी है, 1, 2, 3, इस टाइप से हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से मैट्रिक्स बनता है। इसके लिए एग्जाम्पल देख सकते हैं, इंटीजर ये हमने डेटा टाइप लिखा, यहाँ वेरिएबल लिखा हमने ए, ठीक है, और उस ए के अंदर हमने रो की साइज, जो फर्स्ट बॉक्स होता है उसको हम रो की साइज लिखते हैं, मैं टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, और मैक्सिमम कॉलम्स कह सकते हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास में कितने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर देखो हम डिक्लेयर कैसे करेंगे और उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। अब ए ऑफ 3, 4, 3 मींस क्या, नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास अवेलेबल, 3, और 4 मींस टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4। तो देखो 3 रो, 1, 2, 3, 0 से स्टार्ट किया तो 2 तक जाएगा, 1, 2, 3, टोटल 3 रोज
एंड कॉलम 4, 1, 2, 3, 4, टोटल कॉलम्स कितने हमारे पास में 4, तो टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 into 4 कितना हुआ 12, तो हमारे पास में टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे 12, ठीक है। तो जो रो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल एलिमेंट्स हमारे पास में कितने रहेंगे, ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीका कैसे, यहां पर कौन सा एलिमेंट आएगा, उसका लोकेशन क्या बनेगा, देखो इसको लिखने का तरीका, यहां पर वेरिएबल है ए, ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट कौन सा आएगा, ए ऑफ, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे रो, एंड कॉलम का कौन सा है, ये भी जीरो, ठीक है। अब यहां पर कैसे लिखेंगे, ए ऑफ रो कौन सी है, ये जीरो नंबर वाली रो चल रही है, तो हम लिखेंगे जीरो, और ये कॉलम कौन सा है, वन, तो यहां पर लिखेंगे वन, क्लियर है। नेक्स्ट है टू, यहां पर ये वाली रो कौन सी चल रही है हमारे, जीरो वाली, ये पूरी रो जीरो वाली है, ये वन है, वन वाली रो, ये टू वाली रो, और ये कॉलम कौन सा है, जीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है, इस टाइप से इंडेक्सिंग देंगे हम। अब ए ऑफ जीरो टू, ए ऑफ जीरो थ्री, क्लियर है। अब इसकी यदि बात करें वन, तो अब रो हमारी यहां पर जीरो थी, तो इसलिए फर्स्ट हमारा बॉक्स में क्या लिखा हमने, जीरो, लेकिन अब कौन आएगा, वन, क्योंकि वन नंबर का रो है हमारे पास, कॉलम कौन सा है, जीरो, तो यहां पे आएगा जीरो। अब यहां की बात करें तो सबसे पहले लिखेंगे रो, कॉलम कौन सा है, वन, ठीक है, तो इस टाइप से हम देंगे इसको इंडेक्सिंग, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रो और कॉलम को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं टू डायमेंशनल एरे में, ठीक है। तो ये हुआ टू डायमेंशनल एरे। अब टू डायमेंशनल एरे में हम लोग जो एरे के एलिमेंट जब एक्सिस करते हैं, ठीक है, जैसे हमने वन डायमेंशनल एरे में देखा था कि यदि कोई एलिमेंट को हमको वन डायमेंशनल एरे में एक्सिस करना है तो फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो जब यदि टू डायमेंशनल एरे में हमको किसी एलिमेंट को एक्सेस करवाना है, ठीक है, उसके लिए भी फॉर्मूला है और उसके भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन गिवन रहेगा और उसको किस फॉर्मूले में हमको पुट करना है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके फॉर्मूलेस बताऊंगी और उनको एक्सप्लेन करेंगे हम कि किस टाइप से उस फॉर्मूले में वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है टू डायमेंशनल एरे। क्लियर हुआ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।